नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। सम्मानी नगरवासी, आज फतेह मोहम्मद मोयला अपनी पूरी पट्टे की पत्रावली लेकर के एसडीएम साहब सुमेरपुर के समक्ष पेश हुआ। उसने अपनी पट्टा बनाने की पूरी पत्रावली एक एक पेज एसडीएम साहब को दिखाई, जिस पर एसडीएम साहब ने पट्टे की पत्रावली का अवलोकन करके माना कि पूरी पट्टे की पत्रावली सही है एवं उनको जानकारी हुई कि उस पर अध्यक्ष महोदया के साइन ही नहीं है। इस पर फतेह मोहम्मद ने एसडीएम साहब को ये भी बताया कि मैं एक बार नहीं 10 बार अध्यक्ष महोदय और उसके पति पारस मल के पास गया हूँ साइन करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरे से पट्टा बनाने के बदले 50,000 रुपए की मांग की, जिस पर मैंने उनको कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ एवं 50,000 रुपए देने में असमर्थ हूँ, अतः मैं आपको पट्टा बनाने के बदले इतने रुपए नहीं दे सकता हूँ और मैंने पट्टे बनाने के बदले पैसे नहीं दिए, इसलिए मेरा पट्टा इन 5 सालों के दरमियान नहीं बन पाया। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने एसडीएम साहब सुमेरपुर के समक्ष हाजिर होकर मेरा दुखड़ा बयां किया। मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि श्रीमान उपखंड अधिकारी जी मेरे साथ न्याय करेंगे। मैं पिछले 5 साल से नगरपालिका अध्यक्ष महोदया और उनके पति पारस घांची को मेरे पट्टा बनाने के लिए कहते हुए थक हार गया हूँ। सरकार से मेरा निवेदन है कि आप मुझ गरीब मजदूर को न्याय दिलाएं। मैं आर्थिक रूप से टूट चुका हूँ। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए डीडी टुडे के साथ। नमस्कार।